स्किन हमारा फेवरेट टॉपिक है। आज हम इस पर खुल के बात करेंगे। इसकी शुरुआत हम टैनिंग से करते हैं। टैनिंग जिसने टीनेजर के साथ साथ मिडिल एज के लोगों को भी परेशान कर रखा है, यह होता क्या है, होता कैसे है, ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या है, होम रेमेडी क्या होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होगा, सबों पे बात करेंगे। आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। सनलाइट के साथ अल्ट्रा वायलेट रेस UVA और UVB भी ट्रेवल करती है। वैसे तो सनलाइट हमारे लिए वरदान है, पर जब हम इसी सनलाइट में ओवर एक्सपोज्ड होते हैं तो ये धीरे धीरे हमारे स्किन को डैमेज करने लगती है। पर ये करती कैसे है, इसे समझते हैं। पहले UVB की बात करते हैं, जिसका वेवलेंथ 280 से 315 nm है। यह हमारे स्किन की सुपरफिशियल लेयर को नुकसान पहुंचाती है, जिससे हमारा स्किन रेड होकर के धीरे धीरे बर्न होने लगता है। UVA ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, इसका वेवलेंथ 215 टू 400 nm है। यह हमारे स्किन के डीपर लेयर को पेनेट्रेट करती है, जिससे हमारे स्किन में टैनिंग, एजिंग, रिंकल्स और कैंसर तक हो जाते हैं। यह यूवी रेज जब हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है तो हमारा स्किन इसे खुद से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसके अंतर्गत वो मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिससे हमारा स्किन डार्क हो जाता है और टैन हो जाता है, पर इसे सुरक्षा मिलती है। मेलानिन क्या है? एक पिगमेंट है जो स्किन को शेड देती है और साथ साथ यूवी रेज से भी बचाती है। जितना ज़्यादा मेलानिन होगा, स्किन हमारा यूवी रेज से भी उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड होगा, पर साथ साथ डार्क होगा। टैनिंग मींस स्किन का सनलाइट में ओवर एक्सपोज्ड होना। टैनिंग मींस स्किन के डैमेज होने की शुरुआत, जैसे एजिंग, रिंकल्स, डार्क स्पॉट, डार्कर स्किन, मेलाज्मा, फाइन लाइन, सैगिंग स्किन। इन सारी खतरनाक चीज़ों से आपका स्किन बचा रहे, स्मूथ रहे, यंग रहे, इसके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स हैं जो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जैसे सनस्क्रीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह यूवी रे को फिल्टर करके आपके स्किन को सेफ रखती है। पर लेने से पहले कुछ चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन हो। इसका मतलब ये है कि यह आपको UVA और UVB दोनों से बचाएगी। दूसरा, इसका PA रेटिंग क्या है? जितना PA के आगे प्लस साइन होगा, उतना ही ज़्यादा ये UVA से आपको प्रोटेक्ट करेगी। जैसे PA प्लस मींस लेस प्रोटेक्शन, PA डबल प्लस मॉडरेट और PA ट्रिपल प्लस हाई प्रोटेक्शन। तीसरा, SPF नंबर, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। आपने हमेशा सनस्क्रीन में SPF 30, 50 ये सब लिखा देखा होगा। इसका मतलब क्या है? कितने लंबे समय में आपका ये नॉर्मल स्किन रेड होगा या बर्न होगा? एग्जांपल के लिए, अगर आपने SPF 30 अप्लाई किया, जो कि एक आइडियल नंबर है, तो विदाउट सनस्क्रीन अगर आपका स्किन 10 सेकंड में बर्न होती है, तो SPF 30 अप्लाई करने के बाद ये स्किन 300 सेकंड के बाद बर्न होगी। दूसरा, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, ये यूवी रेस एटमॉस्फेयर के ग्रेटर एंगल से क्रॉस करती है, जिससे ये अर्थ पे कम पहुंच पाती है, पर 10 से 4 के बीच का समय स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक है। या तो इस समय आपको अननेसेसरी बाहर निकलने से अवॉइड करना चाहिए, या फिर पूरा प्रोटेक्टेड होकर के निकलना चाहिए। स्किन बहुत ही खूबसूरत पार्ट है आपके पर्सनालिटी का, आपकी सूझबूझ और छोटे छोटे कदम इसे और भी खूबसूरत बना सकते हैं, यंग बना सकते हैं, ब्राइट बना सकते हैं। स्किन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे तो इंटरनेट पे हज़ारों नुस्खे मिलेंगे स्किन टैनिंग को ट्रीट करने के, पर क्या वो
वर्क करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टैनिंग को कैसे आप सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हो, होम रेमेडी से या फिर मेडिकेटेड ऑप्शन क्या क्या है, या फिर जब आप किसी डॉक्टर्स के क्लिनिक में विजिट करते हो तो वो क्या क्या आपको ऑप्शंस देते हैं, उन सबों का मतलब क्या है, उससे होगा क्या, सारा कुछ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलना।